कोलकाता में डॉक्टर छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों ने सेवाओं का बहिष्कार किया। इस दौरान सभी चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर 24 घंटे तक मेडिकल सेवाएं बंद रखी। जो भी घटनाक्रम हुआ था, जो रेजिडेंट छात्रों के साथ जिस तरीके से उसकी हत्या हुई था, जो परिवेश हुआ, उसके बाद में जो शांतिपूर्वक डॉक्टर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर कम से कम 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ ने कार्रवाई की और साथ में जो हॉस्पिटल में जिस तरीके की तोड़फोड़, उन सबके लिए आज देशव्यापी आईएमए की घटना भीनमाल में भी अभी मरीज के रिश्तेदारों के द्वारा वहाँ पे जो स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं उनके साथ में ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ में जो है मारपीट की, भविष्य में भी इस तरह की घटना ना हो इसलिए हम प्रशासन से और पुलिस से पूरा सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और ये प्रदर्शन भी हमेशा की तरह हमारा शांति होती रहे। हम चाहते हैं कि जनता भी इस प्रदर्शन में हमारी भागीदारी करे क्योंकि ये हमारा रिश्ता आज का नहीं और आगे तक रहने वाला है, क्या ना, ये अनंत रिश्ता हम चाहते हैं डॉक्टर्स का और जनता का। हम चाहते हैं कि जनता को भी हमारा लाभ मिले और हमारे को भी जनता के द्वारा पूरी आश्वस्त होना कि हम सुरक्षित हैं और हम निस्वार्थ